छात्रों, आइए आज हम आप एक चर्चा करते हैं डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग बाय एजुकेशन, यानी शिक्षा द्वारा चिंतन का विकास कैसे होता है। जैसा कि हम आप जानते हैं, चिंतन की प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें समय समय पर पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर नवीन अवधारणा का समावेश होता है तथा अवधारणाओं में संशोधन भी होता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया को उत्पन्न करने में कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं, या जिनको हम कारक कहते हैं, वो अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं और इस अवधारणा परिवर्तन के रूप में चिंतन को विकसित करने वाले शिक्षा संबंधी जो कारक हैं वो निम्न हैं, जिसमें हम आप नवीन अनुभव ग्रहण करते हैं, नवीन सूचनाएं प्राप्त करते हैं, कल्पना एवं तर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, निर्देशन एवं परामर्श करते हैं, प्रयोग करते हैं, संश्लेषण एवं विश्लेषण का भी कार्य होता है, ज्ञान विस्तार होता है, बुद्धि होती है, सर्वांगीण विकास होता है। इतने ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हम बहुत सारे चिंतन को हम डेवलप्ड करते हैं। आइए हम आप सबसे पहले चर्चा करते हैं न्यू एक्सपीरियंस, यानी नवीन अनुभव की। चिंतन की सतत प्रक्रिया नवीन अनुभव के द्वारा संपन्न होती है। एक उदाहरण बताते हैं आपको। जैसे प्रथम बार एक छात्र अपनी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके साथ ही छात्रों को व्यवहार उसके साथ सामान्य रूप से करते हैं तथा कुछ अरुचिपूर्ण भी उसको लगता है तो वह समझता है कि कक्षा का व्यवहार पूर्णतया ठीक नहीं है। परंतु ऐसा ही यदि होता होगा, जब वह लगातार कक्षा में अध्ययन करता है तो अनुभव धीरे धीरे करने लगता है कि छात्रों का व्यवहार उसके प्रति पूर्ण सकारात्मक है तथा उसकी कक्षा विद्यालय की एक सर्वश्रेष्ठ कक्षा है। इस प्रकार की प्रक्रिया में उसका पूर्व अनुभव परिवर्तित होता है तथा उसमें नवीन अनुभव संबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार विविध क्षेत्रों में नवीन अनुभवों के समावेश के अवधारणात्मक परिवर्तन का मार्ग हमारा आपका प्रशस्त हो जाता है। दूसरी चीज़, न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी नवीन सूचनाएं। विविध प्रकार की जो नवीन सूचनाएं हैं उन वो भी चिंतन का एक प्रमुख स्रोत है। आइए इसमें भी एक उदाहरण देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण सभी छात्रों को सम्मिलित रूप से करता है। जब उसको सूचना प्राप्त होती है कि छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए उसकी कक्षा के छात्रों को विविध वर्गों में उनकी योग्यता के अनुसार विभाजित करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, तो यह इस व्यवस्था के माध्यम से जो छात्रों का जो अधिगम स्तर है वह उच्च होता है। तो इस सूचना के माध्यम से शिक्षक की अवधारणा में परिवर्तन हो जाता है। उसको पता हो जाता है कि ये हमारे बच्चे तीव्र बुद्धि के हैं, ये मध्यम बुद्धि के हैं और ये निम्न बुद्धि के हैं। तो सूचना ग्रहण करने के बाद उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तीसरा आता है कल्पना एवं तर्क। चिंतन के विकास की प्रक्रिया का सबसे मुख्य स्रोत कल्पना एवं चिंतन है। विविध प्रकार की स्थितियों में जब छात्र प्रथम बार किसी अवधारणा का निर्माण करता है तब भी तर्क एवं कल्पना का ही सहारा लेता है। जब उसे अवधारणा में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हो जाती है तब भी तर्क एवं कल्पना का सहारा लेता है। जैसे एक उदाहरण देखें आप, जब एक बालक किसी पतंग को चिड़िया कहता है तब उसके पास तर्क होता है, यह चिड़िया की भांत उड़ रही है आसमान में। जब यह चिड़िया के स्थान पर उसे पतंग की अवधारणा के रूप चित्रित होता है तब भी वह तर्क देता है कि यह एक निर्जीव है तथा चिड़िया सजीव है। इस प्रकार तर्क एवं कल्पना चिंतन का एक प्रमुख स्रोत है।
अनुसंधान यानी रिसर्च, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विविध प्रकार के अनुसंधान चिंतन के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित शिक्षा अवधारणा थी तथा शिक्षक की प्रमुख भूमिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी। अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध किया गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप बाल केंद्रित प्रक्रिया के रूप में होना चाहिए। वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल अनुभव करने लगा कि बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा छात्रों के लिए सर्वोत्तम है। इस प्रकार विविध प्रकार के अनुसंधान चिंतन के विकास एवं परिवर्तन करके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। अगला आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षक द्वारा समय समय पर छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया जाता है। निर्देशन एवं परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा छात्रों को नवीन अवधारणाओं में संशोधन किया जाता है। जैसे एक छात्र को हम चिड़ियाघर में ऊँट को दिखाकर घोड़ा कहते हैं तो शिक्षक द्वारा घोड़े एवं ऊँट की असमानता को प्रदर्शित करते हुए उसे परामर्श दिया जाता है कि यह घोड़ा नहीं है, इसे हम ऊँट कहते हैं। इस प्रकार ऊँट की विशेषता के आधार पर उसका चित्रण घोड़े से पृथक के रूप में करते हैं। इस प्रकार अनेक निर्देशन एवं परामर्श छात्रों के चिंतन के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। प्रयोग में जैसे छात्रों द्वारा विविध प्रकार के हम प्रयोग कराते हैं, चिंतन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, एक छात्र अनुभव करता है कि जल एक तरल पदार्थ है, परंतु जब उसे बर्फ दी जाती है तथा धीरे धीरे वह बर्फ पिघलते हुए देखता है तो उसकी अवधारणा परिवर्तित होती है। वह सोचने लगता है कि जल तरल के साथ ठोस रूप में भी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। इस प्रकार विविध प्रयोगों में चिंतन प्रक्रिया का विकास होता है। जैसे अगला स्टेप आता है संश्लेषण एवं विश्लेषण। संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया भी विविध अवधारणाओं का निर्माण करती है तथा उसमें परिवर्तन करती है। इसमें भी आइए एक उदाहरण की चर्चा हम आप करते हैं। जैसे एक छात्र देखता है कि तोता उड़ता है, मोर उड़ता है, बकुला उड़ता है, तो यह मान लेता है कि सभी पक्षी उड़ते हैं तथा यह मानता है कि उड़ने की विशेषता पक्षियों से संबंधित होती है। परंतु जब वह पतंग या हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता है तो वह अपनी अवधारणा में परिवर्तन करने लगता है कि विविध प्रकार की मशीनें भी उड़ने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया भी चिंतन के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। अगला आता है बौद्धिक क्षमता के द्वारा भी हम चिंतन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सामान्य रूप से जब छात्रों में बौद्धिक परिपक्वता आती है तब वह अपनी अवधारणा में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे एक बालक शेर एवं गाय जानवर के रूप में जानता है, दोनों उसके लिए जानवर है। जब वह बौद्धिक रूप से परिपक्व होता है तो अपनी अवधारणा में वो परिवर्तन करता है। वह कहता है कि शेर एक जंगली जानवर है और गाय एक पालतू जानवर है। इस प्रकार की प्रक्रिया बौद्धिक विकास के साथ साथ अनवरत रूप से ये चलती रहती है।